इंसानों के लिए अभी तक पृथ्वी ही रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहाँ पे जीवन संभव हो सकता हो। ऐसे ग्रह को जानने के लिए इंसान पिछले कई वर्षों से इच्छुक है, और इसी इच्छा के कारण ही ऐसे कई सबूत मिलते रहते हैं जिससे इंसान और भी जानने के लिए इच्छुक हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं अभय, आप देख रहे हैं गेट रेड नो साइंस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले मार्स पे जीवन संभव था, लेकिन किसी कारणवश वहां से जीवन नष्ट हो गया। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में चौथा प्लेनेट है जहां पे नासा ने अथवा और भी देशों ने अपना मिशन भेजा है, और नासा ने वहां पे अपना रोवर भी भेजा है जिसने कई सबूत इकट्ठा किए हैं। हाल ही में मार्स पर ऑर्गेनिक मैटर मिला था, और हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी को बर्फ से भरा हुआ क्रेटर यानी गड्ढा मिला जो कि बहुत ही बड़ा है। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर और 1.9 किलोमीटर गहरा है, और इसकी थिकनेस 5,905 फीट है जो कि बहुत ही बड़ा है। इसका नाम कोरोलेव रखा गया है। इसकी तस्वीर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मार्स एक्सप्रेस प्रोब की हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिया गया है। ये नाम सर की कोरोलेव पे पड़ा है जो कि एक रॉकेट इंजीनियर और स्पेस क्राफ्ट डिजाइनर थे, और इन्हें सोवियत स्पेस टेक्नोलॉजी का पिता भी माना गया है। मार्स एक्सप्रेस प्रोब को 2 जून 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया था। इस टाइप के गड्ढे को कोल्ड ट्रैप बोलते हैं जिसमें बर्फ प्रेजेंट रहती है। इसके सरफेस पे ठंडी हवाएं चलती रहती है और बर्फ की लेयर बन जाती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने हाल ही में एक और पिक्चर शेयर किया था जिसमें एक लंबे धुएं की लाइन सी दिख रही थी। इसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां पे एलियन रहते हैं, और कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि नासा वहां पे सेक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा है, और कई लोगों का मानना था कि वहां पे कोई वोल्केनोज एक्टिव है। साइंटिस्टों का कहना है कि पिछले कुछ तस्वीरों में मार्स की प्रॉपर्टी पृथ्वी से थोड़ी बहुत मिलती है, और यहाँ पे कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जल्द ही मार्स पे जीवन का सबूत भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।